आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा के पनवार में हुए बस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट खबर है, जहां हादसे के बाद बस और हाइवा ट्रक में लगी आग को तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इधर रीवा के पनवार थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस क्रमांक MP17P1072 का फिटनेस तत्काल प्रभाव से रीवा आरटीओ के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, साथ ही बस का परमिट भी निलंबित कर दिया गया है। हालांकि हादसे के बाद बस में आग लगने से पहले ही स्थानीय ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनमें दर्जन भर यात्रियों के घायल होने की खबर है। इधर घटना की खबर मिलते ही मौके पर डभौरा SDOP समरजीत सिंह, SDM सहित पनवार अतरैला व जवा थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। यहां पुलिस ने मौके पर 3 दमकल की मदद से तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस और हाईवे में लगी आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि हादसा एक बाइक सवार को बचाने के फेर में हुआ है, जिस दौरान अनियंत्रित बस सामने से आ रहे रेत से लोड हाइवा ट्रक से जा टकराई, जिस दौरान दोनों वाहनों में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते जलकर खाक हो गए हैं। दरअसल यह पूरी घटना पनवार थाना के वीरपुर चौकी क्षेत्र बड़गढ़ स्थित शिवपुरा गांव के समीप की है। जानकारी के मुताबिक महाकाल ट्रेवल्स की बस आज सुबह रीवा से यात्रियों को लेकर बगहिया जा रही थी। बस जैसे ही बड़गढ़ स्थित शिवपुरा के समीप पहुंची, तभी अचानक से सामने आए बाइक सवार को बचाने के फेर में बस बाइक को टक्कर मारते हुए सामने से आ रहे रेत से भरे हाइवा ट्रक से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर इतनी तेज थी कि वाहनों में आग भड़क उठी, जिस दौरान स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही डभौरा SDOP व SDM सहित पनवार जवा सहित अतरैला थाने का पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। SDOP समरजीत सिंह ने बताया है कि हादसे में तकरीबन दर्जन भर यात्री सहित बाइक सवार युवक घायल हुआ है, जिनमें से गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को रीवा रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य का उपचार जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। SDOP ने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस के यात्रियों की जान बचाई गई है। यहां ग्रामीणों के सतर्कता के चलते ही यात्रियों को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बचाया गया है। बताया गया कि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 3 दमकल को बुलाया गया, जहां तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल हादसे में घायल हुए यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस बल राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। इधर रीवा के पनवार थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस क्रमांक MP17P1072 का फिटनेस तत्काल प्रभाव से रीवा आरटीओ के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, साथ ही बस का परमिट भी निलंबित कर दिया गया है। ये रीवा से एक बड़गढ़ बस जा रही थी, ये पनवार अतरैला के थाने के बॉर्डर पर जब बस पहुंची तो वो एक मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में एक हाईवा चला आ रहा था पनवार तरफ से, तो दोनों में टक्कर हो गई बस और हाईवा में, जिससे बस में आग लग गई और तत्काल पुलिस को पता लगा। वहाँ सोसाइटी भी थी पास में ही, सोसाइटी के लोगों ने जाके तत्काल मदद की, बस में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला फटाफट तेज़ी से। कोई मतलब गंभीर रूप से घायल नहीं है, कुछ लोगों को वहाँ जवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया और एक दो व्यक्ति जो हैं जो थोड़ा सा जिनको चोट लगी थी फ्रैक्चर था उनको सिरमौर भेज दिया गया है। बस की आग बुझा दी गई है। आसपास के बैकुंठपुर सिमरिया और चाकघाट से फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी थी, उन्होंने आग बुझा दी है। बारह लोग जो हैं वो जवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है उसमें, जो थाना प्रभारी से मेरी बात हुई इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। जिनको थोड़ा सा भी ज़्यादा लगी थी वो सिरमौर आ गए। सर जानकारी मिली ट्रक के अंदर ट्रक जो खलासी होता है वो खाना पका रहा था स्टोव में, ट्रक के अंदर नहीं, अभी संबंध में तो पुलिस जांच कर रही है कि एक्सीडेंट का कारण क्या हुआ, लेकिन जो प्राथमिक जांच आई है उसमें पता लगा कि मोटरसाइकिल कोई आ रही थी, उसको मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में दुर्घटना घटी है।